बंगाल दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड बनता जा रहा है। अब उसी अयोध्या में दीपों से एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, यहाँ पर मिट्टी के दीयों से प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति बनाई गई है और इसे बनाने में 5 दिनों का वक्त लगा और करीब 150 कारीगरों ने मिलकर इस मनमोहक कलाकृति को तैयार किया है। अयोध्या से न्यूज 18 इंडिया की एक खास रिपोर्ट देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या का कण कण राममय हो गया है। अयोध्या में हर तरफ राम की गूंज है, राम का नाम है, राम की चर्चा है। राम का ही काम है जल से थल तक, नब से धारा तक, मन से मस्तिष्क तक, देश के प्रधान सेवक से लेकर जनता की जुबान तक सिर्फ एक ही नाम है, एक ही नारा है, जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बाईस जनवरी को अयोध्या में राष्ट्र का सबसे बड़ा सांस्कृतिक पर्व है। 22 जनवरी को अयोध्या में सांस्कृतिक स्वाधीनता का सबसे अनुपम क्षण है। इसीलिए 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा में जुटा हर राम भक्त उस पल को, उस क्षण को, उस तारीख को अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अतुलनीय बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कोशिश का एक परिणाम है भगवान श्री राम की ये दिव्य, भव्य, विशालकाय छवि। 22 जनवरी प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उत्सव का ये रंग एक और भी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के पीछे 14 लाख दियों से ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पराक्रमी रूप को उकेरा गया है और आप ये देखिए कि कितना विहंगम यह दृश्य लग रहा है। भगवान श्री राम का ये जो रूप है, इनका जो भाव है, दियों के साथ इनको दर्शाया गया है और ये जो दिए हैं अलग अलग रंगों के दिए इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। सफ़ेद दिया है, काला दिया है, हरा दिया है, नीला दिया है और इसके अलावा गुलाबी दिया है। अलग अलग तरीके के दिए हैं और इनकी जो साइज़ है वो भी है, छोटी बड़ी अलग अलग तरीके की साइज़ है। और जो कलाकार हैं पिछले कई दिनों से इस भव्य भगवान राम के स्वरूप को यह अंजाम देने में जुटे हुए हैं। अयोध्या की पावन धरती पर प्रभु श्री राम का पराक्रमी स्वरूप अवतरित हो चुका है। ये कलाकृति अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसे मिट्टी के दियों से बनाया गया है। ये मिट्टी के दियों से श्री राम की कलाकृति बनाने का अनूठा विश्व कीर्तिमान है। अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम के इस पराक्रमी स्वरूप को उकेरने में 14 लाख दियों का इस्तेमाल किया गया है। इस पूरी कलाकृति में भगवान राम के पराक्रमी स्वरूप के साथ ही अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की आकृति, पीएम मोदी और सीएम योगी की आकृति के साथ ही जय श्री राम लिखा हुआ है। ये सिद्धाश्रम बक्सर जो है वहाँ से हमारे केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का ये सोच है। उन्होंने इस कार्यक्रम को ये 14 लाख दिए हैं, इसमें टोटल 14 लाख दिए हैं और 14 कलर के दिए हैं। प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन है अपना वोकल फॉर लोकल, उसको इस ज़मीन पे उतारने के लिए उन्होंने यहाँ के ही कलाकारों को माननीय मंत्री जी ने मौका दिया और यहाँ के कलाकार डेली 150 से 200 लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और पिछले 4 से 5 दिन से ये काम कर रहे हैं। और एक आप देख सकेंगे कि ऊपर में जो है सबसे ऊपर में पराक्रमी राम का स्वरूप है, उसके बाद भगवान राम का राम मंदिर है श्री राम का, फिर उसके बाद इधर मोदी जी का आकृति बनाया गया है और इधर योगी जी का आकृति बनाया गया है और बीच में श्री राम लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं स्थानीय जो कलाकार हैं, स्थानीय जो दिया बनाने वाली महिलाएं हैं, उनका पूरा सहयोग लिया जा रहा है और ये पिछले कई दिनों से लगी हैं।
धरती पर भगवान राम की इतनी बड़ी कलाकृति को बनाने के लिए अयोध्या के साकेत कॉलेज के मैदान को चुना गया, जहां 5 दिनों से करीब 150 कलाकार इस कलाकृति को बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार के बक्सर से आए इन कलाकारों ने दियों से कलाकृति को बनाने के लिए प्रभु श्री राम के पराक्रमी स्वरूप को ही क्यों चुना, इसके पीछे बड़ा ही रोचक तथ्य है। बक्सर के साथ प्रभु श्री राम का नाता क्या है और उनके इस पराक्रमी स्वरूप के पीछे बक्सर से जुड़ी वो कौन सी पौराणिक गाथा है, जिसकी जानकारी कलाकृति टीम के सदस्य अपरिमित सिंह ने दी। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बक्सर जो है भगवान राम का पहली बार जो उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया वो बक्सर में दिखाया, जब महर्षि विश्वामित्र उनको लेके आए वहाँ से दशरथ जी से मांग के, क्योंकि उनके यज्ञों में विघ्न डाल रहे थे राक्षस लोग, तो और उनकी शिक्षा दीक्षा होने का भी समय हो गया था, तो उन्होंने वहाँ से इन्हें पिकअप किया, अयोध्या से वो लेके गए बक्सर, और बक्सर में पहली बार भगवान राम ने पराक्रम का अपने परिचय दिया भगवान के रूप का। उन्होंने वहाँ ताड़का का वध किया, वहाँ पे कई राक्षसों का वध किया। तो ये पराक्रम का रूप किस तरीके से दर्शा रहा है, पराक्रम का रूप किस तरीके से दर्शा रहा है? तो यहाँ भगवान राम के पराक्रमी रूप का धनुष बाण के साथ पहली प्रतिमा जो है, ये हम जो उन्होंने वहाँ पे दिखाया था उसका एक प्रारूप यहाँ पे हम लोग दे रहे हैं। बक्सर की धरती पर ही प्रभु श्री राम ने पहली बार असुरों का संहार किया था, इसीलिए बक्सर से आए कलाकारों ने श्री राम के पराक्रमी स्वरूप को दिखाने की कोशिश की। इस पूरे कॉन्सेप्ट के पीछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की सोच है, जिन्होंने बक्सर में दियों से कलाकृति बनाने वाले कलाकारों की टीम को अयोध्या भेजा है और इस टीम ने दियों से दुनिया की सबसे बड़ी कलाकृति बनाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 14 लाख दीपकों से पहली बार इतनी बड़ी दीपकों से कोई प्रतिमा भगवान राम की पराक्रमी प्रतिमा बनाई जा रही है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा अयोध्या के नाम पे। और ये सारे लोग पहले भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट कर चुके हैं, जो इसमें जिन लोगों ने ये बनाया था ये भागलपुर में, तो वहाँ से ये टीम आई हुई है और वो ये दीपकों से ये पूरी पराक्रमी राम की प्रतिमा बना रही है। तो पूरा का पूरा ये जो आयोजन है ये बक्सर बिहार से अयोध्या भगवान राम के जुड़ाव को तो प्रदर्शित कर ही रहा है, साथ ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनने जा रहा है पराक्रमी राम को दीपों के जरिए स्थापित करने का, उनका चित्र उकेरने का। योगी सरकार अयोध्या में हर साल दर साल दीपोत्सव का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती जा रही है। इसी कड़ी में अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम को समर्पित इस मनमोहक कलाकृति ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अयोध्या में 22 जनवरी को जल थल और नभ तीनों रास्तों से पहुंचने की तैयारी की जा रही है। नए एयरपोर्ट का उद्घाटन और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार पीएम मोदी कर चुके हैं, जिसके बाद कई नई ट्रेनों के साथ अयोध्या के लिए हवाई सेवाएं भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं सरयू नदी में क्रूज चलाने की तैयारी की जा रही है, इसके लिए जल विभाग की टीम अयोध्या में तैनात कर भी दी गई है, जो सरयू के जल स्तर पर पानी की गुणवत्ता दोनों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जिस पावन सरयू नदी के तट पर बसी है अयोध्या नगरी, उस सरयू नदी का जल कल कल कर बहता रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में आने वाले साधु संत सरयू के तट पर साफ पानी में डुबकी लगा सके, इसके लिए पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या आने वाले दुनिया भर के मेहमान सरयू नदी में नौका विहार कर अयोध्या नगरी की खूबसूरती निहार सके, इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार ने अयोध्या में 22 जनवरी के आयोजन को सबसे खास, सबसे अनोखा और सबसे भव्य बनाने के लिए एक व्यवस्था की बारीकी से प्लानिंग की है। अयोध्या नगरी के साथ साथ यहां बहने वाली सरयू नदी के घाटों को भी सुंदर बनाया जा रहा है।
साथ ही घाटों पर सभी सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जा रही है। 22 जनवरी के समारोह के लिए कोलकाता से क्रूज मंगाए जा रहे हैं जो रास्ते में है, लेकिन इस क्रूज पर सवार होने के लिए जिस प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है वो प्लेटफॉर्म 1 जनवरी से सरयू के तट पर खड़ा है। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के चलते जो अयोध्या के तट हैं वो भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है और शानदार व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर खास तौर पर इंस्टॉल किया गया है और खास तरीके की नाव भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के पास आएगी। खास तौर पर कलकत्ता से मंगाया गया है उस नाव को, जो कि इस जो स्ट्रक्चर है जिस पर हम चल रहे हैं अभी, ये स्ट्रक्चर उस नाव का सपोर्ट सिस्टम मुहैया करवाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग होगी और इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं हैं उस नाव को देने वाली वो होंगी यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद है। भैया ये क्या चीज़ है और ये उस नाव को क्या सपोर्ट मुहैया करवाएगा? ये प्लेटफार्म है, वो चार्जर है सामने वाला। सरयू नदी के तट पर ऐसे 2 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, एक प्लेटफॉर्म नया घाट पर तो दूसरा गुप्तार घाट पर बनाया गया है। कोलकाता से आने वाली नावों को इन्हीं प्लेटफॉर्म से सटाकर खड़ा किया जाएगा ताकि यात्री आसानी से नाव पर चढ़ सके। शानदार विहंगम सरयू नदी का अगर हम नजारा देखेंगे इस पर, तो जो नाव आएगी यहाँ पर इससे टच होगी और उसके बाद यहाँ पर जो चार्जिंग है, चार्जिंग भी हो सकेगी नाव की। इसके अलावा जो अन्य सपोर्ट सिस्टम है नाव का हो सकेगा और इसके बाद इस सरयू के तट पर यात्रियों को यह घुमाएगी। बेहद खूबसूरत ये पूरा का पूरा नज़ारा लगेगा। तो अलग अलग तरीके की पर्यटकों को बढ़ाने की और उनको सुविधा देने की ये तैयारी हो रही है। खास तरीके का यह इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है जो कि विशेष नाव आएगी कोलकाता से, उसके सपोर्ट सिस्टम के लिए यहाँ पर सरयू घाट अयोध्या पर इंस्टॉल किया गया है। अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी में जल की समुचित मात्रा बनाए रखने की जिम्मेदारी सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम को दी गई है। इस टीम के सदस्य 24 घंटे सरयू के पानी की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हम सरयू घाट पर मौजूद हैं, केंद्रीय जल आयोग की टीम यहां पर मौजूद है और बेहद सूक्ष्मता से सरयू के जो तट के जो जल स्तर है उसको नापा जाता है और इसके अलावा इसमें जो अन्य तैयारी है वो की जाती है। और इस तरीके से ये पूरा जो प्रक्रिया है काफ़ी दिनों से चल रही है। हमारे साथ केंद्रीय जल आयोग के इंजीनियर भी हैं। सर, ये क्या कर रहे हैं आप लोग सरयू के तट पर? ये हम लोग डिस्चार्ज मेजरमेंट करते हैं, जो पानी वगैरह बैराज से छोड़ा जाता है, पानी का जल स्तर कितना है, मतलब कितना सूटेबल है डेली, मतलब कितना कितना रेट से फ्लो हो रहा, उसका पूरा मेजरमेंट किया जाता है। ये कितने दिन से पूरी प्रक्रिया चल रही है आपकी? ये तो हम लोग का हमेशा चलता है, 12 महीने चलता है, हर साल चलता रहता है। वाटर क्वालिटी मेजर किया जाता है, पानी का जल स्तर मेजर किया जाता इस है। इस बार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कुछ खास निर्देश आप लोग को दिए गए हैं? हाँ, निर्देश वही कि मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो क्रूज वगैरह आ रहे हैं, मतलब पानी का जल स्तर मेंटेन रहे कंटिन्यूसली, उसके लिए थोड़ा निर्देश दिए गए हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम ने हमारे सामने सरयू नदी के जल की गुणवत्ता की जांच की और पाया कि अभी पानी का स्तर थोड़ा कम है, जिसे डैम से पानी छोड़कर बढ़ाया जाएगा। किस तरीके से सरयू के पानी का आकलन किया जा रहा है और कैसे इसके वाटर लेवल को मेंटेन किया जा रहा है ताकि जो नाव आए या जो लोग नहाने यहां पर आए उनको दिक्कत का सामना न करना पड़े, हम आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय जल आयोग की ये टीम है। सर, कैसे पूरा काम करते हैं जरा बताइए। ये एक्चुअली क्या है कि लैपटॉप से हम ब्लूटूथ के माध्यम से इसको कनेक्ट कराते हैं, ADCP इसको बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है एकॉस्टिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर। इस साउंडिंग वेव पे काम करता है डॉपलर इफेक्ट का मतलब के द्वारा। ये रेज वगैरह, एक रेज उसमें लगी रहती है, उस रेज के माध्यम से पेंट्रेट करती है पानी में, जो हमारा सैंड है नीचे पे बॉटम पे उसे टकरा कर रेज अगेन वापस आती है, उससे डेप्थ पूरी मतलब यहाँ तक मेजर हो जाती है कंटिन्यूसली, हर एक एक पॉइंट पे, हर एक एक इंच पे, उससे मतलब पानी का कितना वो है लेवल, कितने वॉल्यूम पे पानी फ्लो हो रहा पूरा उसका पूरा पता चल जाता है हमको। सर, ये बताइए क्या अब आप क्या कर रहे हैं, ये इसको बस फ्लो को मेंटेन कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसको फ्लो को ही मेंटेन कर रहे हैं इससे जो है। अच्छा, एडीसी द्वारा।
हाँ सर, तो ये आपका जो वेरिएशन है ये रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है। हाँ, ये एक्चुअली डेप्थ, ये देखिए डेप्थ दिखाती है इस पे, लैपटॉप पे हमको दिखाती रहती है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे डेप्थ वगैरह दिखाती रहेगी। ये इंटेंसिटी दिखा रही है हमारी, कितनी इंटेंसिटी से प्रिंटेड कर रही रेज वगैरह, और ये दिखा रही हमारा मतलब किस कैसे जा रहे हैं डायरेक्शन। तो अभी मौजूदा स्थिति क्या है? मौजूदा स्थिति अभी तो ठीक लग रही है, अभी मौके पर डिस्चार्ज हमारा अभी 250 के करीब आ रहा है लगभग, जो डेली आ रहा है। सरयू नदी में पानी का फ्लो मेंटेन रखने के लिए लखीमपुर डैम से वक्त वक्त पर पानी छोड़ा जाता है। अभी फिलहाल 250 क्यूसिक पानी हर रोज छोड़ा जा रहा है, जिसे जल विभाग की टीम नाकाफी बता रही है, लेकिन उम्मीद जता रही है कि 22 जनवरी को सरयू नदी में पर्याप्त पानी होगा, जिससे यहां आने वाले क्रूज को चलने में दिक्कत नहीं होगी और श्रद्धालुओं को भी नहाने में परेशानी नहीं होगी। जमीन के साथ साथ पानी में भी किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है, ये खास उसकी तैयारी की जा रही है, समुचित पानी की व्यवस्था हो सरयू नदी में श्रद्धालुओं के लिए भी और अलग अलग एजेंसियों के लिए भी, इस तरीके के खास यहाँ पर इंतजाम किए जा रहे हैं, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो एजेंसियां हो या फिर अलग अलग उपकरण हो। अयोध्या समेत देश भर में कई कलाकार और राम भक्त 12 जनवरी के दिन को यादगार बनाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, और इस दौरान देश भर में ऐसी ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं था। जी हां, 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या पहुंचने के बाद अब 1100 किलो का दीपक भी अयोध्या पहुंच चुका है। अयोध्या में स्टैंड आर्टिस्ट रेत का राम मंदिर मॉडल बनाने में जुटे हैं, तो कांकेर में पेंटर्स की टीम ने 1000 फीट लंबी दीवार पर राम कथाओं की पेंटिंग तैयार की है। लेकिन सबके बीच देश की जनता को राम लला के नव निर्मित मूर्ति के दर्शन का बेसब्री से इंतजार है। तो चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें आप 22 जनवरी से पहले ही रामलला की मूर्त का आभारी और काल्पनिक दर्शन कर पाएंगे। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के नव्य, भव्य और दिव्य दरबार को हर कोई देख रहा है, हर दिन देख रहा है, लेकिन इस दिव्य दरबार के गर्भगृह में राम लला की जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसकी एक झलक पाने के लिए देश के करीब 135 करोड़ जनता बेसब्र हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि राम लला की मूर्ति कैसी बनी है, वो कैसी दिखती है, उसकी खासियत क्या है। तो आइए आपको राम लला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार सत्य नारायण पांडे से मिलवाते हैं, जो आपको राम लला की अनदेखी मूर्ति के काल्पनिक दर्शन करवाएंगे। राजा का पुत्र कैसा होता है, और दिव्य जो भगवान का स्वरूप कितना सुंदर होता है, वो मेडिटेशन कर करके और फिर उसको 3 साल के रूप में उनको बनाना चालू किया, और फिर 3 से 5 साल के बीच में रेडी किया। तो दिव्य, जैसे कैसे छाती थी भगवान की, कितनी चौड़ी थी, कितनी ऊंची थी, कैसे पेट कोमल था, कैसे जांगे जो एक भरी हुई जांगे वो बनाई, और बड़े बड़े सौम्य स्वरूप में बनाए हो। कृष्ण तो है नहीं नटखट रूप में, लेकिन गंभीर, और वो बिल्कुल ऐसे मुस्कराते हुए तैयार किए कि भगवान हमें बस जो भी दर्शन करें उनको लगना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं, हमें प्यार कर रहे हैं। वो जब दर्शन करें तो उनके आँखों में से आंसू धार होने चाहिए कि कितने सुंदर। तो वो जिस टाइम सुंदर कौशल्या माँ के पैदा हुए थे, तो उतने सुंदर हमने वो स्वरूप को आकार दे के साकार रूप में तैयार किया है। और बस तो वो साकार रूप में हो भी गए। वहाँ पे एक त्रिपुरारी पंडित जी हैं, पूजा वूजा करने आ रहे थे, उनके सपने में भी आए और बोले कि आज पानी नहीं रखा। तो उस पंडित जी ने आके मेरे को बोला, आपके तो रामलला में, तो मुझे विश्वास हो गया कि अरे वाह, मेरे तो रामलला अवतरित हो गए। अब फिर आपको पूरा विश्वास है कि विश्वास है कि वो अवतरित है और सबसे बात करेंगे।
सत्यनारायण पांडे ने रामलला की कुल 7.5 फीट की प्रतिमा बनाई है, जिसमें रामलला की मूर्ति की लंबाई 5 फीट है। अब 3 साल के बालक की मनमोहक प्रतिमा कैसी है, यह आप सत्यनारायण पांडे की बाकी मूर्तियों की खूबसूरती देखकर समझ सकते हैं। देश भर के कलाकार अपनी अपनी ओर से प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सदा सदा यादगार बनाने के लिए नायाब कलाकृति बना रहे हैं। इस कड़ी में नागपुर के सिविल इंजीनियर प्रफुल्ल माटे गांवकर ने राम मंदिर की 11 फिट का मॉडल तैयार किया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हम लोग तो अयोध्या जा नहीं सकते अभी, तो हम क्यों न मंदिर की प्रतिकृति यहाँ खड़ी करके श्री राम जी की पूजा इस मंदिर में की जाए, ये भावना थी। और दूसरी भावना ये थी कि 1990 की पहली कार सेवा और फिर बाद में दूसरी कार सेवा, तो दोनों कार सेवा में मेरा कुछ भी योगदान नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी वो 1990 की कार सेवा में गई थी, वो जस्ट 10वीं पास हुई थी, यानी बहुत छोटी थी, उम्र से सबसे छोटी कार सेवक करके वो थी वहाँ पे, और वो 16 दिन जेल में वगैरह रह चुकी थी, तो उसका स्पिरिट बहुत अलग था। कलाकृति की बात हो और सैंड आर्ट का जिक्र ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। अयोध्या में एक तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो दूसरी तरफ ओडिशा से आए सैंड आर्टिस्ट सरयू नदी के गुप्तार घाट पर रेत से राम मंदिर का मॉडल तैयार करने में जुटे हैं। इन कलाकारों को अयोध्या नगर निगम की ओर से रेत का मंदिर मॉडल बनाने का काम सौंपा गया है। अयोध्या के 2-4 दिन हो गए और जो रामलला की जो मंदिर प्रतिष्ठा होने वाला है उसी के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पे सैंड के जरिए एक राम जी का मंदिर बना रहे हैं, और बहुत ही खुशी से महसूस हो रहा है कि अयोध्या आके हमको ये मौका मिला कि जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे एक सैंड के जरिए मंदिर निर्माण करने के लिए, तो ये हम लोगों ने 2 से 3 दिन में मंदिर को कम्प्लीट कर देंगे। 22 जनवरी को यादगार बनाने की तैयारी सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश में हो रही है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में पेंटर रंग राजू ने अपनी टीम के साथ दीवार पर प्रभु श्री राम की 1000 फीट लंबी पेंटिंग तैयार कर रहे हैं। इस पेंटिंग में रामायण की कई कथाओं को दर्शाया गया है। इस रास्ते से गुजरने वाला हर राहगीर रंग राजू की पेंटिंग देखने के लिए यहाँ ठहर जाता है और जी भर के पेंटिंग देखने के बाद ही आगे का रास्ता तय करता है। ये तो हमारे वर्षों की तपस्या है, कहे जाए भैया भगवान राम पधार रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को, तो उन्हीं का आस्था का एक प्रतिरूप है ये। अच्छा जी, तो कितने दिन लगा भी आपको बनाने में? ये करीबन 4 से 5 दिन लग गए हैं। अच्छा, ये कितना फीट दीवार होगा, कितना मीटर का दीवार है ये? तो करीबन 1000 फीट की दीवार होगी सर। अच्छा, 1000 फीट में आपने कितने दिनों में पूरा किया? लगभग कर देंगे 2 से 3 दिन और चलेगी भैया। अच्छा जी, तो इसमें और भी आपके सहयोगी? हाँ, पूरा टीम लगी हुई है, आपकी पूरी टीम जी, लगी जी, हुई है। जी। अच्छा, तो 22 तारीख को और भी कुछ आयोजन आप? हाँ, 22 तारीख को हम पूरा महिला मंडल द्वारा दीप प्रज्वलित करेंगे। अच्छा, और रामायण का कार्यक्रम रखे हुए हैं। वहीं गुजरात के वडोदरा से अयोध्या के केशवपुरम में 1100 किलो का एक दीपक लाया गया है, जिसे राम मंदिर में प्रज्वलित करने के लिए समर्पित किया गया है। इसमें एक बार में 500 किलो घी डाला जा सकता है। इसमें 15 किलो रुई की बत्ती लगाई गई है। अगर एक बार इस दीपक को प्रज्वलित किया जाए तो ये दीपक करीब 2 महीने तक चलता रहेगा। 1100 किलो वजन का है, उसमें जो घी समाने जाए तो 501 किलो घी समा सकता है। जो जलाने के लिए 15 किलो रुई का दिया बनाया है, दीवेट बनाया है, और ये इसका खासियत ये है कि जो दिया जलता है तो 2 से 2.5 महीना तक ये दिया जलेगा। ये किस घाट का बना हुआ है जो खास है? ये हमने जो नीचे का है SS का है और MS का है, ऊपर का जो पूरा पीतल और ब्रास का बनाया हुआ है। कितने दिन? पंचमुखी दिया है। सूरत के कपड़ा व्यापारी भी 22 जनवरी के लिए खास तैयारी कर रहे हैं।
वो राम मंदिर से जुड़े वस्त्र, टोपी, झंडा जैसे कपड़े की तमाम चीजें तैयार करने में जुटे हैं। एक फैक्ट्री मालिक ने बताया कि वो भगवान राम की तस्वीर वाली 2 लाख टोपियां और 2 लाख झंडे बना रहे हैं, जो पूरे देश में डिलीवर किए जाएंगे। इस टोपी की खासियत यह है कि ये मकई के रेशे और पॉलिएस्टर यान के मिश्रण से तैयार धागे से बनाई जा रही है। 11.5 इंच लंबी और 3.5 इंच चौड़ी टोपी पर भगवान की छवि, भगवान श्री राम का मंदिर और जय श्री राम छपा है। हम लोग जो है एक टोपी नई बनाई है हम लोगों ने, जिसमें भगवान कलर का कलर है, रंग है, और राम मंदिर है और राम भगवान का फोटो है और जय श्री राम का नारा है, और एक हम लोगों ने राम ध्वज बनाया है, वो भी केसरिया कलर का है, उसमें राम मंदिर है, राम भगवान का फोटो और जय श्री राम का नारा है। ऑर्डर ऑल ओवर इंडिया से ही आ रहे हैं और प्रोडक्शन फुल जोर में चल रहा है, दिन और रात चल रहा है प्रोडक्शन। 22 जनवरी को पूरा भारत राम के रंग में रंग जाएगा। अयोध्या समेत पूरे भारत में राम दीप जलाए जाएंगे। 500 साल बाद राम लला अपने दरबार में विराजेंगे, जिसका इंतजार देश की 135 करोड़ जनता को है। अयोध्या में 22 जनवरी के भव्य आयोजन को देखते हुए सुरक्षा बल की भारी तैनाती भी शुरू हो गई है। अभी तक अयोध्या पुलिस के जिम्मे ही पूरे जिले की सुरक्षा थी, लेकिन अयोध्या में चप्पे चप्पे पर अतिरिक्त पुलिस बल और एनएसजी की तैनाती भी शुरू हो चुकी है, और इसी कड़ी में अयोध्या पुलिस ने अधिकृत वाहन चेकिंग की मॉक ड्रिल भी की है और एनएसजी की टीम भी तैनात सुरक्षा व्यवस्था संभालती दिखाई दी। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के चलते अयोध्या पुलिस ने भी अपनी जो तैयारी है वह मुकम्मल कर ली है, और इसके लिए कोई अनधिकृत वाहन जो सेफ जोन है उसमें नहीं घुस पाए, उसके लिए ये पूरी तैयारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अयोध्या पुलिस की जो खास टीम है हर एक शख्स को ये चेक कर रही है कि जो जिसके पास वैलिड आई कार्ड हो या फिर जिसके पास पास हो उसी को एंट्री करने की इस जोन में इजाज़त होगी। तो ऐसी व्यवस्था है, वो 22 तारीख तक वो लागू रहेगी। और इसी तरीके से देखिए आप, पुलिस की खास टीम है और इसमें ट्रैफिक पुलिस है, इसके अलावा इसमें अयोध्या पुलिस की जो सिविल पुलिस है वो भी मौजूद है और इंटेलिजेंस के लोग भी मौजूद है। ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो रामपथ, लता मंगेशकर चौक और इन सब इलाकों में जाता है। तो देखिए वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में ये पूरी की पूरी जो चेकिंग प्रक्रिया है यहाँ पर चल रही है। एनएससी की टीम है, एनएससी कमांडो की टीम है और खास तौर पर तैनाती हुई है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप देख सकते हैं कि एनएससी जो गार्ड है उनकी तैनाती हो चुकी है। अलग अलग एजेंसियां किस तरीके से सक्रिय है वो आप अयोध्या में ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए ये जो पुलिस है यहाँ पर स्थानीय पुलिस है, इसके अलावा एनएससी कमांडोज हैं, इसके अलावा इंटेलिजेंस की पुलिस है, इसके अलावा सीआरपीएफ की पुलिस है। मल्टी लेयर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका यह आप तस्वीरें देख सकते हैं। उधर प्रयागराज के किन्नर अखाड़े को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र मिलने के बाद वहां पर जश्न मनाया गया है। कौशल्यानंद गिरी किन्नर समाज की पहली किन्नर हैं जिन्हें यह निमंत्रण मिला है। प्रयागराज में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद सभी किन्नर खुशी मनाते दिखाई दिए। देखिए किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के मुताबिक जब भगवान राम वनवास में जा रहे थे तो उनके पीछे सभी किन्नर चल दिए थे। इसके बाद भगवान राम के मना करने के बाद किन्नर वापस लौट आए थे। किन्नर समाज के लिए संविधान में तो जगह मिल ही रही है, अब हम लोग को धार्मिक कार्य में भी हम लोग को स्थान मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, रामलाला को बधाई देने जाऊंगी, वहाँ पे उनको गाना सुनाऊंगी। सोहर अभी आप लोग ने सुना कि सोहर हम लोग ने राम भगवान के प्रति एक सोहर बनाए हैं, वो सोहर वहाँ पे हम लोग डेडिकेट करेंगे राम भगवान के लिए, और ये बहुत खुशी की बात है। मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ, मैं देखिए मैं खुशी से मैं रो पड़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान राम का मैं साक्षी बन रही हूँ, उनका एकदम से मैं अपनी आँखों से, नग्न आँखों से मैं देखने जा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसे सबरी माता को राम भगवान ने दर्शन दिए थे, सबरी माँ धन्य हुई थी, वैसे ही आज मैं किन्नर माँ मैं धन्य हो रही हूँ राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा देख के। जी
तो पूरे देश में रामलला के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। राम नाम की लहर में पूरा देश डूबा हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश के रतलाम से रामधुन के साथ अयोध्या के लिए रुद्राक्ष का रथ रवाना किया गया है। 125,000 रुद्राक्ष प्रसादी के तौर पर अयोध्या में बांटा जाएगा। वहीं अयोध्या को सजाने के लिए हरियाणा के करनाल में स्वदेशी लड़ियां तैयार की गई हैं। करनाल से सेवा भारती से जुड़ी हुई महिलाएं हजारों की संख्या में लड़ियां तैयार कर रही हैं, जिसे अयोध्या नगरी और मंदिर की सजावट के लिए भेजा जाएगा। वहीं गुजरात के सूरत में कपड़ा उद्योग से जुड़े लोग राम नामी भगवा टोपियां बना रहे हैं, और सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में ऐसी 2,00,000 टोपियां और 2,00,000 झंडे भेजे जाएंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, कैसे अलग अलग जगहों पर लोग अपने ही तरीके से प्रभु श्री राम की ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो राम मंदिर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नए भारत का प्रतीक होगा। राम मंदिर नए भारत की गारंटी की मुनादी करेगा। उन्होंने कहा कि राम थे, राम है और राम हमेशा रहेंगे। अयोध्या के राम मंदिर पर लिखी गई एक किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे राजनाथ सिंह, और वहीं उन्होंने ये बातें कही। पुनर्जागरण के साथ साथ भारत के आर्थिक और सामाजिक पुनर्जागरण का भी यह प्रतीक है। बलवीर पुंजी ने इस पर भी किताब में पूरी प्रामाणिकता के साथ लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। बलवीर जी की किताब इस बात को डंके की चोट पर स्थापित करती है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का पुनर्निर्माण भारत में डीकोलोनाइजेशन यानी वी औपनिवेशीकरण के समापन प्रक्रिया के साथ सांस्कृतिक और आर्थिक पुनर्जागरण का प्रतीक भी है।